श्रद्धेय बंधुगण, जीवन में हर व्यक्ति के दुख और सुख आते हैं, परेशानियां आती है, संघर्ष होता है, समस्याएं अनेक प्रकार की आती है। तो ये सब क्यों होता है या ये अकस्मात होता है या इसके पीछे ईश्वर का कोई फिक्स प्लान है, क्या है ये? और कई बार ये परेशानियां हमें इतनी ज़्यादा घेर लेती है कि हम कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई स्ट्रेसफुल हो जाता है, कोई इतना टेंशन में चला जाता है कि उसको नींद ही नहीं आती, और कोई कोई अति करके आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये सब हम करते हैं। तो क्या ईश्वर की सिस्टम में कहीं गड़बड़ है या हमारी सोच में गड़बड़ है, क्या है ये? अभी तक विज्ञान ने जितना पता लगाया है उसने एक बात पाई है कि ईश्वर का जो सिस्टम है वो परफेक्ट है, भौतिक रूप से भी परफेक्ट है। हाँ, कितनी बातें विज्ञान अभी निकाल पा रही है, कितनी पहले निकाल पा रही थी, और अभी जो ये क्वांटम फिजिक्स की जो नई खोज है, रिसर्च है, वो तो यहाँ तक कह रही है कि हमारी सोच भी, हमारा ऑब्जर्वेशन भी कणों के स्थिति को बदल देता है। आप देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, बोला हमारा देखना सोचना भी उसको इफेक्ट करता है। और यहाँ तक वह कहने लग गए हैं जो क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारा विश्व कनेक्टेड है, हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव दूसरे पे होता है, सारे विश्व में हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पर जो भी सिस्टम है परफेक्ट है, कहीं उसमें मन मर्जी डिसीशंस नहीं है। तो हमारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं, जो दुख आते हैं, जो परेशानियां आती है, इसका मतलब वह भी एक परफेक्ट प्लान के अंतर्गत आ रही है, एक कॉस्मिक प्लान के अंतर्गत आ रही है। तो अगर ईश्वर व रचना रचिता क्रिएटर हमें प्रॉब्लम्स भेज रहा है, उसके पीछे भी उसका कोई अच्छा प्लान है। उस प्लान को जब हम नहीं समझते हैं तब हम स्ट्रेसफुल होते हैं। अगर हम उस प्लान को समझ लें तो लाइफ में टेंशन है ही नहीं। क्योंकि कहा है ऑल इज फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। आपके हमारे किसी के भी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उसकी हमारी भलाई है, कुछ न कुछ उससे हमारा भला होना है। पर क्या भला होना है इसको नहीं समझ पाने कारण ये हमारे जीवन में अनेक प्रकार के टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आ जाता है। आपने कई बार कथाएं भी सुनी है, अकबर बीरबल की कथा तो अक्सर हम सुनते हैं कि जब बीरबल और अकबर शिकार में जा रहे थे तो बीरबल की अकबर की उंगली कट गई, बोले देखो बीरबल मेरी उंगली कट गई। उस समय बीरबल को मुँह से निकल पड़ा जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल इज फॉर द बेस्ट। अब उंगली कटी है, दर्द हो रहा है, बीरबल कह रहा है बहुत अच्छे, सब जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बादशाह गुस्सा आया, बोला तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ अभी, और रास्ते से ही डांट करके बीरबल को वापस भेज दिया। बोले मैं अकेला शिकार खेलूँगा, मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो मेरी तकलीफ में हंसे या उल्टी बात जवाब दे। निकल पड़े शिकार के पीछे, जाते जाते रास्ता भटक गए जंगलों में। जब रास्ता आदमी भटक जाता है तो फिर तो भटक गया, ऐसे शास्त्रों के अंदर भी जो भटक गया वो भटक गया। एक व्यक्ति कहने लगा मैंने विवेकानंद को पूरा पढ़ा। मैंने कहा पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? बोला जहाँ शुरू किया वहीं पहुँच गया, क्योंकि थ्योरी इतनी कन्फ्यूजिंग है। अगर आपको
सही इंटरप्रेटर सही गाइड नहीं है तो शास्त्र इतने कंफ्यूजिंग है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ऐसा होता है शास्त्र, इसलिए महाअरण्यम कहा, शब्दम जालम महाअरण्यम, ये शब्दों का जाल भी महाजंगल है, इसमें जो भटक गया उसको रास्ता नहीं मिलता। तो अकबर भी रास्ता भटक गया और भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया जो भीलों की एरिया थी। भीलों को उस दिन उनकी पूजा थी देवी की, और वह देवी की पूजा करके सब कुछ रेडी कर रखा था, उनको एक बलि चढ़ाने के लिए व्यक्ति चाहिए था हस्त पुष्ट। तो इस आश्रम में थे, कोई बाहर का आ जाता उसकी बलि चढ़ाए, हमारे घर के व्यक्तियों की क्यों चढ़ाएंगे बलि, और अक्सर कोई ना कोई मिल जाता था हमको। उस दिन अकबर जब वहाँ पहुँचा, बोले अरे अरे हमें मिल गया, देवी ने भेज दिया आज हमारे लिए, पकड़ करके ले आए, और ये हो गया कि अकबर को बलि चढ़ाएंगे। अब अकबर वहाँ कुछ नहीं कर सकता, असहाय है, आज अकबर की मृत्यु निश्चित हो गई। नलाया धुलाया करके रेडी कर दिया, देवी के सामने उसको बांध के खड़ा कर दिया कि अब उसकी बलि होगी, उसको मारा जाएगा। पर बलि देने से पहले जो पुरोहित होता है, पुजारी होता है, वह पूरे शरीर का निरीक्षण करता है, कहीं अंग भंग तो नहीं है। देखा तो वो उंगली कटी हुई थी, बोले अरे ये तो अंग भंग है, ये तो हमारे नहीं चलेगा, और अकबर को छोड़ दिया। तब अकबर ने सोचा कि अगर आज मेरी उंगली नहीं कटती तो मेरी जान चली जाती, मेरी मौत थी आज। भगवान ने मेरी उंगली में कट करके, उंगली में दर्द पैदा करके मेरी जान बचा दी, कितना अच्छा किया। वास्तव में बीरबल ठीक कह रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, बच करके राजा अपने वापस अपने राज्य में आया और बीरबल को बुलवाया। बीरबल को तो उसने निकाल दिया था, दोबारा बुलाया, बीरबल आया, बोले बीरबल तुमने ठीक कहा, मेरी गलती थी कि वास्तव में तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरा अंग भंग नहीं होता तो मेरी मृत्यु थी। तो बोले मेरे लिए तो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारी बुराई की, तुमको डांटा, तुमको निकाला, तुमको दो कितने अपशब्द कहे, तुम्हारा क्या भला हुआ इसमें, तुमने बेकार मेरी डांट सुनी। बीरबल कहने लगा महाराज मेरा भी बहुत अच्छा हुआ, अगर आप शिकार में थे मैं आपके साथ होता, मैं भी वहाँ भीलों की नगरी में पहुँचता तो मेरा तो अंग भंग नहीं था, आपके बदले मेरी मृत्यु हो जाती, मैं बलि चढ़ जाता, आपने मुझे डांटा, भगवान ने ये भी मेरे लिए अच्छा किया, मैं बच गया। तो सज्जनों ये केवल कथा समझाने के लिए नहीं है, एक्चुअली उसका प्लान परफेक्ट होता है। आपने बहुत से ऐसे दृष्टांत सुने होंगे, डॉक्टर अहमद का तो आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि वो बहुत स्पेशल डॉक्टर था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, चाइल्ड की कई बीमारियां ऐसी थी जिसका क्योर वही कर सकता था। उसको किसी मीटिंग में जाना था जिसमें उसका सम्मान होना था, उसकी वाई वाई होनी थी, उसने वहाँ बोलना भी था, पर अचानक जो फ्लाइट बुक करेगी थी कैंसिल हो गई। अब उसको मन में लगा कि मेरे को तो पहुंचना है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें मेरा सम्मान होना है, मुझे वह मिलना है, लोगों की तरफ से वह डॉक्यूमेंट्स भी मिलने हैं, तो अब मैं कैसे भी जाऊं करके उसने एक कार हायर की और कार ड्राइविंग करके सोचा मेरे पास समय है, मैं पहुंच जाऊंगा। रास्ते में भयानक तूफान आ गया, हैवी बरसात, और जब बरसात ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, दिखाई कुछ नहीं पड़ा, बस जहाँ से टर्निंग लेनी थी दूसरी टर्निंग लेके चला गया। भूख और प्यास से बुरा हाल, अब सोचा मैं क्या करूँ, कहीं कुछ बरसात थमने का नाम नहीं ले रही। तो एक छोटा शहर आया, उसमें उसने गाड़ी रोकी और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत निकली, कहा मैं ऐसे ऐसे रास्ता भटक गया हूँ,
मुझे थोड़ी देर के लिए, ये जब तक पानी नहीं रुकता थोड़ी देर के लिए रेस्ट बैठने के लिए दिया जाए। औरत ने कहा ठीक आप आ जाओ, और वो वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद में वो औरत वहाँ पर, उसके साथ एक छोटा बच्चा था, घर में कोई नहीं था, वो औरत बार बार भगवान के आगे प्रार्थना कर रही है, प्रेयर कर रही है। वह डॉक्टर अहमद सोचने लगा ये इतना प्रेयर क्यों कर रही है। उसको वजह उसने चाय दी तो पूछने लगा, कहने लगा भगवान को क्यों मानते हो, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मैं तो 1% भी भगवान में विश्वास नहीं करता। डॉक्टर अहमद ने कहा आप क्यों बेकार में प्रेयर कर रहे हो, ये प्रेयर को कौन सुनेगा, वह जब है ही नहीं, ये आपकी प्रेयर बेकार, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसने कहा नहीं, मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है कि मेरी प्रेयर वो सुनेगा, मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना की है, मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेगा। कब करेगा ये अलग बात है, पर देर सवेर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। बोले तुम्हें इतना विश्वास है, बोले विश्वास हाँ है, और सचमुच में भगवान है और वो पुकार को सुनता है। क्या बोले, बोला मैं तो नहीं मानता। फिर बोला एक बात पूछूं आपसे, आप क्या प्रार्थना कर रही हो भगवान से। बोली मेरा एक बेटा है, छोटा बच्चा है, उसको बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज एक ही डॉक्टर कर सकता है हमारे राज्य में, हमारे देश में, वह है डॉक्टर अहमद। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं वहाँ जाके इलाज कराऊँ, ना हॉस्पिटल के पैसे हैं ना जाने के पैसे हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि इसका इलाज कैसे होगा आप कर दो, और इसका दूसरा कोई डॉक्टर कर नहीं सकता, पर मुझे भगवान पे विश्वास है कि वह जरूर मेरी पुकार को सुनेगा। डॉक्टर अहमद चौंक गया, कहाँ निकला था, कहाँ आया, कैसे उस घर में घुसा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला सचमुच में भगवान है, गॉड इज ग्रेट एंड कंपेशन एंड काइंडफुल। बोला वह दया का सागर है, देखो तुमने प्रार्थना की, तुम्हारी प्रार्थना को लेकर उसने मेरी फ्लाइट कैंसिल कराई, मुझे रास्ता भटकाया, आंधी तूफान चलाकर मुझे यहाँ पहुँचा दिया, मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ। तो सज्जनों कहने का मतलब उसके प्लान परफेक्ट हैं। तो आपके हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो परफेक्ट प्लान में हो रहा है, पर हम नहीं समझने के कारण समस्या ये है। कई बार हम सोचते हैं हमको दुख क्यों देता है, जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं। सज्जनों ये सब के पीछे उसका परफेक्ट प्लान है, और उस प्लान को समझने के लिए हमको थोड़ा सा अपने ब्रेन पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपका लॉजिकल ब्रेन जो है, हमारा जो माया मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो लॉजिकल हिस्सा है, बायां हिस्सा, ये अपनी तरफ से एक प्लान कर लेता है, अपनी तरफ से एक इच्छा पैदा कर लेता है कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, और वह प्लान हो सकता है हमारे लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि हम तो वर्तमान को जानते हैं, भूतकाल को जानते हैं, भविष्य को जानते नहीं। तो जो हमने प्लान है, जो हमने सोचा है, जो हमारे अंदर की कामना है, इच्छा है, हो सकता है वह हमारे लिए नुकसानदायक हो, हम तो जानते नहीं। और उसका प्लान वो होता है जिससे हमारा अंत में भला होना है, इन टोटो हमारा हमको लाभ होना है, तो उसका प्लान हमारी सोच के विरुद्ध है। हम सोचते मुझे टेंशन, हमें टेंशन हो जाता है, अरे मेहनत ये चाहा था ऐसा नहीं हुआ, और वह हमारे लिए सिर दर्द का, दुख का, समस्या का, संकट का कारण बन जाए, क्योंकि हम उसके प्लान को समझ नहीं पाए।
कितने प्लान हमको उत्थान करने के लिए होते हैं, कितने प्लान हमारे अंदर के इल्यूजन को खत्म करने के लिए होते हैं। क्योंकि सज्जनों, एक बहुत बड़ी बात विज्ञान ने, क्वांटम फिजिक्स ने पता लगाई है कि माया जो भ्रम है वह हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है, पशु प्राणियों में भी लागू होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मछली तैर रही थी, बीच में उन्होंने एक प्लेट लगा दी, बैरिकेड कर दिया, तो मछली आती थी प्लेट से फिर वापस घूम के चली जाती थी, इसका मतलब वहाँ रुकावट आ गई, तो मछली जितना भी तैरती थी उस प्लेट से वापस चली जाती थी, उससे आगे बढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि प्लेट ने रोक रखा था रास्ता। उसके बाद उसने प्लेट हटा दी। ये क्वांटम फिजिक्स वालों का एक्सपेरिमेंट है। अब वो मछली वहीं तक तैर के जा रही जहाँ वह प्लेट लगी थी, उससे इधर नहीं आ रही। उसके दिमाग में ये बैठ गया कि बस यहीं तक मैं घूम सकती हूँ, इससे आगे नहीं घूम सकती। ये जबकि वह प्लेट हट गई है, वह आगे बढ़ सकती है, पर वह इल्यूजन, वह भ्रम उसके अंदर बैठ गया है, उस भ्रम को सच्चाई मान रही है कि इससे आगे मेरे लिए रास्ता नहीं है। ऐसे श्री महाराज जी कल कथा सुना रहे थे कि हाथी के बच्चे को जब महावत होता है वह रस्सी से बांध देता है। हाथी का बच्चा उस समय निकलने की कोशिश करता है, पर वह कम छोटा है, उतनी ताकत नहीं होती, वह रस्सी को तोड़ नहीं पाता। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और फिर वह जब उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, चुपचाप बंधा रहता है, वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। वही हाथी जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद तो वह एक झटका मारे पाँव का तो रस्सी टूट जाएगी, पर चूंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, वो जो भ्रम है, वो जो इल्यूजन है, यही तो माया है, वह रस्सी से बना रहता है, कभी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, सोचता कि ये रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता, वो भ्रम उसके अंदर परमानेंट बैठ गया। बिल्कुल यही स्थिति हमारे साथ है सज्जनों। मेटाफिजिक्स कहती है कि ऐसा इल्यूजन संसार में है, और वही इल्यूजन हमारे अंदर भी, अध्यात्म कहता है हमारे अंदर वही इल्यूजन है। हम अपने को जीव दुखी मान करके बैठ गए हैं, जबकि वह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम तो आनंद के सागर हैं। कहते हैं ना कि वह रामायण में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जो आत्मा है ईश्वर का अंश है, चेतन है, सुखों का खजाना है, और पवित्र है, स्वच्छ है। पर हुआ क्या, कहते हैं सो माया बस बदेव गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई, बदेव कीर मरकट की नाई। कि वह माया रूपी जाल में अपने को बंध गया है। अब माया क्या है, इल्यूजन है एक्चुअली, पर इस इल्यूजन ने ऐसा हो गया कि हम अपने को सत्य मान बैठे हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, जीव आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। सज्जनों, तीनों एक ही है, स्थिति अलग अलग है। जब यह आत्मा मन के बंधन में बंध जाती है, शरीरों में आती है, मन के बंधन से बंधी हुई, जब तक यह आत्मा मन के बंधन में बंधी हुई है, इसको जीवात्मा कहा गया। जब यह शरीर को इससे बाहर होती है तो इसको आत्मा कहा गया। जब यह परमात्मा से में मर्ज हो जाती है
तो ये परमात्मा बन जाती है। इन्फिनिटी परमात्मा हो गई, फाइनेट में मुक्त आत्मा आत्मा हो गई, और यही आत्मा जब शरीर में आ जाती है, बन जाती है मन के बंधन में, तो जीवात्मा हो गई। तीनों एक ही के विभिन्न रूप हैं, एक तरह से समझ लीजिए स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है इन्फिनिटी। और आप देखिए हर व्यक्ति इन्फिनिटी को प्राप्त करने की चाहना रखता है, यह आत्मा हर समय इन्फिनिटी होने की कोशिश करती है, ये चाह हर व्यक्ति के अंदर है। कुछ भी मिल जाए उसको, वो चाहे मुझे इतना मिले कि अनलिमिटेड मिले, और संसार में अनलिमिटेड है नहीं, अनलिमिटेड तो वही शक्ति है, परमात्मा है। जब तक ये आत्मा उसे मर्ज नहीं होगी, इसके अनलिमिटेड प्राप्त करने की, अनलिमिटेड को प्राप्त करने की इच्छा पेंडिंग रहेगी। तो कहने का मतलब ये माया के चक्कर में फंस के ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, ये माया का भ्रम पाल रखा है। भ्रम इतना ज़्यादा हो गया कि अब तो हम अपने को मन मानते हैं, आत्मा मानते ही नहीं, अपने को शरीर मानते हैं, शरीर से ऊपर मैं कुछ एनर्जी हूँ ये भी नहीं मानते, जबकि साइंस ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है सब कुछ एनर्जी है। पहले हम टेबल को जड़ पदार्थ कहते थे, अभी भी टेबल को हम जड़ पदार्थ कहते हैं, पर जब क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इस पर विश्लेषण किया, जड़ को एटॉमिक स्टेट में ले गए कि जड़ का एक मॉलिक्यूल, एक कण, उसके अंदर क्या है, तो देखा वहाँ तो चेतना है, चेतनाओं का ढेर जड़ बना हुआ है, इस ढेर के कण को आप अलग करेंगे तो वह चेतन है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, एनर्जी कंबाइंड एनर्जी, एनर्जी का जो ढेर है वह जड़ के रूप में दिख रहा है हमको, इसलिए जिसका मैटर कहते हैं, जड़ पदार्थ कहते हैं, वह भी एनर्जी का ही बदला हुआ रूप है। हमारे शास्त्र में हम कहते थे एक ब्रह्म जगत मिथ्या, सब कुछ ब्रह्म ही है, चेतना ही है, एनर्जी ही है, इस बात को क्वांटम फिजिक्स आप प्रमाणित कर रहा है। तो सज्जनों कहने का मतलब उस शक्ति के हर फॉर्मूला हर बात फिट है, वो जो आपके जीवन में कर रहा है, हमारे जीवन में कर रहा है, वो सब बिल्कुल सही कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके प्लान को वह क्यों कर रहा है ये न समझ पाने कारण इतना भरोसा हमें किसी किसी को होता है प्रभु पे कि जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, वह हंसते हुए उस प्रॉब्लम को सह ले, ये किसी किसी में हो सकता है। जनरली आदमी सोचता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, या मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या क्यों आ रखी है। वैसे जो भी समस्या आती है उसके पीछे हमारी भलाई होती है, ये बात हमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कहा है जीवन में जब उसका प्लान परफेक्ट है तो जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है हमारे अच्छाई के लिए हो रहा है, पर वो प्लान का पता लगाने के लिए हमको इंटरनेट चालू करना पड़ेगा। आपको पता है एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने आंधी तूफान गड्ढे आ रहे हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो ये भी हो सकता है कि इस रास्ते से नहीं जाके दूसरा रास्ता जाओ बोल के कह रहा हो आंधी तूफान। अब अगर उस ड्राइवर के पास इंटरनेट है, जिसको आजकल जीपीएस सिस्टम कहते हैं ना, उससे वह देख सकता है कि रास्ते में प्रॉब्लम है, और जब जीपीएस सिस्टम लगाएगा तो उसको पता लगेगा कि ये रास्ते में प्रॉब्लम है या आंधी तूफान ठीक ही आ रहे हैं, ये मेरे को चाह रहे कि मैं इस रास्ते को छोड़ के दूसरा ये रास्ते से जाऊं। पर अगर जीपीएस सिस्टम नहीं है तो वह बेचारा सोचेगा यार मैं जा नहीं पा रहा हूँ, देखो ये आंधी तूफान ने मुझे रोक रखा है,
पर जीपीएस सिस्टम है, उसको पता लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, ये रास्ता साफ सुथरा है, मुझे इससे जाना है, ये आंधी तूफान ठीक ही है मेरे लिए जो मुझे डाइवर्ट करने के लिए कह रहा है। पर कब उसको पता लगा? जब उसके पास जीपीएस सिस्टम था। ऐसे ही ये जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, ये ड्राइवर की तरह है जो इस आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। पर इसके बाद जीपीएस सिस्टम नहीं होगा, इसको रास्ते का ठीक पता भी नहीं है, ये भटक जाएगा। तो जिन ड्राइवरों का रास्ता नहीं पता होता है, वह जीपीएस सिस्टम लगा लेते हैं और वो जीपीएस सिस्टम के सहारे वहाँ पहुँच जाते हैं। आजकल तो 99% लोग जीपीएस सिस्टम लगाते हैं। सज्जनों, आपके और हमारे अंदर भी एक जीपीएस सिस्टम है, वो आपका राइट ब्रेन है, इंट्यूटिव ब्रेन है। उसको आप चालू करोगे तो वह आपको अंदर से मार्गदर्शन करेगा, इस आत्मा को किस रास्ते से कैसे ले जाना है। पूरा जीपीएस सिस्टम हमारे अंदर फिट है, और जब उस जीपीएस सिस्टम को हम चालू करेंगे तब पता लगेगा कि ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे भलाई के लिए हो रहा है। वहाँ से आंसर मिलेगा, क्योंकि देखिए हम केवल शरीर नहीं है, शरीर के बाद ये हमारा परमानेंट घर भी नहीं है, संसार में हम परमानेंट भी नहीं है, एक दिन संसार से जाना है। तो प्रिपरेशन केवल यहाँ का करें तब भी अधूरा है, केवल वहाँ का करें वह भी अधूरा, दोनों कंप्लीट प्रिपरेशन होना चाहिए। इसलिए कहा लोक और परलोक दोनों सुधारें, ये है जीवन की सच्चाई। अब मुझे एक छोटा सा दृष्टांत भी याद आ गया। एक बार बीरबल ने अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरे चार तरह के लोग लाओ, अब के कुछ अब के कुछ तब के कुछ ना अब के ना तब के कुछ अब के भी और तब के भी। बीरबल अगले दिन गया, राजा लोग शिकार खेलने आए हुए थे दूसरे देश के जंगल में, उनको निवेदन किया कि हमारे महाराज आपको बुला रहे हैं, एक बार आप हमारे साथ चलो। चल पड़े, बोले चलो सम्राट से मिल के आते हैं। कुछ साधु लोग कठिन तपस्या कर रहे थे, उनको भी निवेदन किया, वो भी चल पड़े। रास्ते में ये गुंडे लोग होते हैं ना, बदमाश लोग, मार काट ताश जुआ खेलते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, शराब पी के ड्रामा करते रहते हैं। इनको भी कहा चलो मैं तुमको इनाम दिलाऊंगा, मेरे साथ चलो। एक जगह लोग ईश्वर आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, ध्यान सुमिरन करने वाले भगत लोग थे, उनको भी निवेदन किया कि आप मेरे साथ चलो, उनको भी ले गया। कहा महाराज चारों तरह के लोग ले आया, ये राजा लोग अब के हैं, तब के ये साधु लोग हैं जो अभी साधना कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, अगला जन्म इनका बढ़िया होगा। ये जो गुंडे मस्ताने, ये ना अब के हैं ना तब के हैं, अभी भी कितनी बार जेल में जाते हैं, कितनी बार आपस में मारपीट होती है, चोट खाते हैं, और इनके कर्म ऐसे हैं तो अगला जन्म इनका बेकार है। ये ना अब के हैं ना तब के हैं। और कहा ये जो ज्ञानी लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जिनको मेटाफिजिकल मेडिटेशन सीख रखा है, सज्जनों में मेटाफिजिकल शब्द बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसी को भूलने के कारण आप अध्यात्म से वंचित हैं। जिस दिन आप मेटाफिजिकल शब्द को समझ जाओगे, इसको इस चीज़ को अपना लोगे, अध्यात्म आपके लिए खुल जाएगा। तो ये इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, ये उस पराविद्या की साधना को, पराभौतिक साधना को, मेटाफिजिकल मेडिटेशन को कर रहे हैं। इस लोक में भी ये सुखी हैं, क्योंकि जो भी घटना इनके जीवन में घटती है, इनका जो जीपीएस सिस्टम है, जो राइट ब्रेन है, वो बता देता है तुम्हारे लिए ये इसीलिए हो रहा है। और ये लोग भी मैं सुखी हैं, ये अच्छे तरह समय बिता रहे हैं, अगला जन्म में इनका उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये अभी जो साधना कर रहे हैं वो अगले जन्म में भी देगी। ये कंप्लीट लाइफ लीड कर रहे हैं, परफेक्ट लाइफ लीड कर रहे हैं, ये अब के भी है और तब के भी हैं। तो सज्जनों, ईश्वर भी हमसे चाहता कि हम कंप्लीट लाइफ लीड करें, इसलिए वह नाना प्रकार के जीवन में हमारे
खेल खेलता है, समस्याएं भेजता है, दुख और सुख, वह सब आने का कारण ही ये है कि वह हमको अच्छा बनाना चाहता है, इस लोक और परलोक दोनों को सुधारना चाहता है। हम केवल इस लोक के बारे में सोचते हैं तब हमको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह हमारा कंप्लीट करेक्शन करके हमको अपने धाम में पहुंचाने के लिए ललायित है। तो इसलिए जब तक हम साधना नहीं करेंगे, हमारा राइट ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऑल इज़ फॉर द बेस्ट। और तभी हम अनेक प्रकार के टेंशन और डिप्रेशन में जाते हैं। तो सज्जनों, वास्तव में ये जीवन टेंशन डिप्रेशन के लिए नहीं है। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और कैसे हो रहा है ये आपका राइट ब्रेन बताएगा। आप ज़रूरत है उसको एक्टिवेट करने की, उसके लिए आपको वह गर्भ की साधना सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। तो समय हो गया है, सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।